व्यापार में हूँ तपेजन और हमारे साथ में आदरणीय श्री उद्धम जी गुलछा हैं जो छत्तीसगढ़ सराफा के भूतपूर्व महासचिव हैं। अभी सराफा छत्तीसगढ़ सराफा के चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर बीच में कुछ विवाद भी हुआ था। बिलासपुर के कमल सोनी ने आरोप भी लगाए थे, क्या कुछ विवाद हुआ था? कुछ भी विवाद नहीं है। अब जिनको विवाद करना है वो तो विवाद करेंगे, और एक मौका और बहाना चाहिए। उन्होंने जो जो आरोप लगाए मेरे हिसाब से पूरा निराधार है, कोई आरोप ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, आम सभा हमारी हुई और आम सभा में जो हमारी बातें हुई उसमें एक एक मुद्दा क्लियर था, एक एक बात क्लियर थी। और उसके बाद उनका कहना है कि भाई हिसाब किताब, अरे हिसाब किताब तो हर साल ऑडिट होता है भाई मेरे, ऑडिट का पूरा डाटा है हमारे पास, ऑडिटेड रिपोर्ट है। ऑडिट जिस संस्था की हो गई, फिर वहाँ पे गबन की तो कोई बात ही नहीं है हिसाब किताब की। दूसरा, चुनाव में देरी, अरे चुनाव तो हो रहे थे, चुनाव का पूरा तैयारी था, चुनाव आचार संहिता के कारण डिले हुआ है, किसी व्यक्ति विशेष के कारण नहीं हुआ। मार्च की तो डेट मालू जी ने घोषित कर दी थी चुनाव अधिकारी ने, लेकिन ये कमल सोनी जो खुद आरोप लगा रहे हैं, ये खुद खाटू श्याम बाबा के जाते हैं मार्च में, तो इन्होंने आके बोला कि भैया ये डेट में मेरे को नहीं होगा, तो हमने डेट को चलो मान लिया। उसके बाद आचार संहिता आ गई, आचार संहिता अब खत्म होगी तो चुनाव की डेट डिक्लेयर हो गई, तो इसमें तो कोई विवाद की स्थिति नहीं है। बाहर के लोगों को मौका नहीं देते हैं? नहीं, रायपुर के अलावा देखिए, बाहर के लोगों को मौका नहीं देने वाली बात पे एक चीज कहूँगा कि पुराना हमारा जो बायलॉज था उसके अंदर यही तय हुआ था कि रायपुर के ही पदाधिकारी जो है तीनों मुख्य पदों पे रहेंगे, और महासचिव के लिए, ये पहले हमारे बायलॉज में थी। उसके बाद 14 में जब हमारा वहाँ पे व्यवस्था बनी, बिलासपुर में अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में ये बात आई थी, तो उसमें उन्होंने एक नया हमारे बायलॉज बना के रजिस्ट्रेशन करवा दिया गया। इसके अंदर देखिए, उस बायलॉज के हिसाब से ये बातें बोल रहे हैं, लेकिन उस बायलॉज के अंदर तो इंडिविजुअल मेंबरशिप भी थी। आपने क्यों नहीं डिक्लेयर किया इंडिविजुअल मेंबरशिप को, क्यों नहीं लागू किया? तो बायलॉज के हिसाब से तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसका हमने निर्वाही नहीं किया, तो ये सब स्थितियाँ तो रहती है। और देखिए, विवाद करने वालों का कोई और छोर नहीं होता है, उनको तो मौका चाहिए और विवाद करना है। अभी 23 जून के डिक्लेयर हुआ है नया छत्तीसगढ़ सराफा का चुनाव, क्या कुछ कहेंगे, कैसे बताएंगे? नई कार्यकारिणी बनेगी और हल्लोल्लास से काम करेंगे, और हम सब एक साथ हैं, कोई ऐसा नहीं है कि अलग अलग है। कमल भाई भी हमारे एक हिस्सा हैं और हम भी उस संस्था के एक हिस्सा हैं, विवाद कुछ नहीं है। जो कुछ मनभेद हो सकता है, लेकिन मतभेद किसी प्रकार का नहीं है। सराफा एक था और सराफा एक रहेगा। बहुत अच्छी बात, आपने समय दिया, तो अभी चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं तपेश जैन, नरेंद्र ठाकुर साहब में, जय व्यापार।